डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भले ही मल्टीवर्स के नाम पे गिनती के तीन ही यूनिवर्सेस देखने को मिले हो, लेकिन इस फिल्म में हिडन डिटेल्स और पुरानी फिल्मों के रेफरेंसेस बहुत सारे थे। तो आज मैं इनमें से 40 बेस्ट डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो हर किसी ने नोटिस नहीं की होंगी। सो हाय, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग थियरी गाय। डिफेंडर स्ट्रेंज जब अमेरिका की पावर्स के लिए उसको सैक्रिफाइस करने वाला ही होता है, उससे पहले वो ग्रैंड कैलकुलस वाला डायलॉग मारता है। यही वाला डायलॉग स्पाइडरमैन नो वे होम में अपने वाले स्ट्रेंज ने भी मारा था जब वो विलन्स को सैक्रिफाइस करने ही वाला था। In the grand calculus of the multiverse, their sacrifice means infinitely more than their lives. तुम सब स्ट्रेंज एक जैसे ही हो। यहाँ पे फनी चीज ये है कि स्ट्रेंज इतना कैलकुलस करता है और स्पाइडरमैन ने उसको मैथ का यूज करके ही हरा दिया था। मैथ? लेकिन हार गया तो कोई बात नहीं, वो डॉक्टर है, उसकी मैथ्स कहाँ अच्छी होगी। अमेरिका चावेज ने अपनी जैकेट पर प्राइड फ्लैग का ब्रूच लगाया होता है, मतलब कॉमिक्स की तरह एमसीयू में भी वो लेस्बियन है, और उसकी जैकेट पर अमोरेस अमोर भी लिखा होता है जिसका स्पेनिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है लव इज लव। स्ट्रेंज के सैंक्टम से निकलते टाइम बैकग्राउंड में हमें एक पियानो दिखता है, ये हिंट था बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच होने वाली म्यूजिकल बैटल का। क्रिस्टीन की वेडिंग वाले पहले ही शॉट में एक औरत अपने दो लड़कों के साथ दिखती है, ये फोरशैडो करता है वांडा और उसके ट्विंस को। डायरेक्टर ने बोला है कि ये शॉट उन लोग ने इसलिए डाला था ताकि वो फिल्म में पहले ही हिंट दे सके कि फिल्म के प्लॉट के लिए वांडा और उसके ट्विंस कितने इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंज अपने मैजिक से पानी के ग्लास को वाइन में बदल देता है, ये थॉर रैग्नारोक का कॉल बैक था जब स्ट्रेंज मैजिक से थॉर को चाय देता है, लेकिन जब थॉर बोलता है कि वो चाय नहीं पीता तो वो उसको बियर में बदल देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के बेल्कनी वाले शॉट में हमें एक येलो कलर का होर्डिंग दिखता है, ये रॉजर्स द म्यूजिकल का होर्डिंग था जो वही ब्रॉडवे म्यूजिकल है जो हॉकाई ने अपनी सीरीज में अपनी फैमिली के साथ अटेंड किया था, और इसका एक और रेफरेंस स्पाइडरमैन नो वे होम में भी था। स्ट्रेंज के सूट पर जो पॉकेट स्क्वायर है वो एक्चुअली उसका क्लोक ऑफ लेविटेशन है जो हमें स्लो मोशन में पता चलता है। और ये ऊंचाई से कूदते हुए हवा में ही सूट अप कर लेना आयरन मैन का स्टाइल है जो वो दी अवेंजर्स, आयरन मैन 3 और अवेंजर्स एंड गेम में कर चुका है। फिल्म के को प्रोड्यूसर ऋषि पामन ने रिवील किया है कि गागेंटोस की आई का डिजाइन एक्चुअली एलिजाबेथ ओल्सन की आई को स्कैन करके बनाया गया था। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पहले ही हिंट कर सके कि फिल्म की विलन वांडा होगी। इस शॉट में मक्लाउड बुक्स नाम का एक स्टोर होता है, इसी नाम का स्टोर बाद में 838 यूनिवर्स में सैंक्टम के सामने भी होता है, ये ईस्टर एग था कॉमिक बुक आर्टिस्ट बॉब मक्लाउड का। गागेंटोस के टेंटिकल्स को कट करने के लिए स्ट्रेंज एक मैजिकल एक्स का यूज करता है। कॉमिक्स में भी इसी टाइप का एक्स एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है एक्स ऑफ एंगरूमस, और वोंग भी एक मैजिकल सॉर्ड यूज करता है जो कुछ कुछ एटर्नल्स वाली थीना की सॉर्ड के जैसी है। इस शॉट में पीछे स्टैनली लिखा होता है जो ऑब्वियसली लेजेंड स्टैन ली का रेफरेंस था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई स्टैनली के नाम में तो डबल ई आता है, ई वाई नहीं आता, तो उनको बता दूं कि स्टैनली का रियल नेम स्टैनली मार्टिन लीबर था। यहाँ पे गागेंटोस को ऐसे बिल्डिंग पे चढ़ता देख अंदर लोग डर जाते हैं, और ऊपर अमेरिका को खड़े होने के लिए थोड़ी सी ही जगह होती है। ये स्पाइडरमैन 2 का रेफरेंस था, उसमें डॉक ऑक को ऐसे बिल्डिंग पे चढ़ता देख लोग डर जाते हैं, और बाद में आंट मे को ऊपर खड़े होने के लिए थोड़ी सी ही जगह बचती है। टोबी वाली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के जो डायरेक्टर है सैम रेमी, उन्होंने ही ये मूवी डायरेक्ट की है। और यहाँ पे जब गागेंटोस डॉक्टर स्ट्रेंज को जकड़ लेता है तो अमेरिका उसके ऊपर कॉन्क्रीट गिराती है, इससे गागेंटोस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और स्ट्रेंज को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। ये स्पाइडरमैन 3 का रेफरेंस था, उसमें भी जब वेनम स्पाइडरमैन को जकड़ लेता है तो एमजे ऊपर से कॉन्क्रीट ही गिराती है जिससे वेनम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और स्पाइडरमैन को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग चोरी कर लेती है, अगर ये शॉट स्लो मोशन में देखे तो पता चलता है कि उसने ये रिंग कब चोरी की। अमेरिका पूछती है कि स्पाइडरमैन पीछे से जाल फेंकता है क्या? जाल छोड़ा है। करेक्ट। कहां से? पीछे से? ये नो वे होम का रेफरेंस था। अच्छा, तो ये सिर्फ तुम्हारी कलाई से निकलता है या बॉडी में कहीं से भी निकल जाता है? नहीं, सिर्फ कलाई से निकलता है यार। स्ट्रेंज बोलता है कि उसको पता नहीं है। Maybe, I don't know. Honestly, I hope not. और उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो जोक नहीं मार रहा है, जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो अपने स्पेल की वजह से पीटर को भूल चुका है, उसको सिर्फ स्पाइडरमैन याद है। ठीक वैसे ही जैसे हैप्पी को ये याद था कि वो मे से स्पाइडरमैन के थ्रू मिला था, बस उसको पीटर पार्कर याद नहीं था। स्ट्रेंज का अपने वेरिएंट को दफनाना रिक एंड मॉर्टी का रेफरेंस था, उसके एक एपिसोड में रिक और मॉर्टी भी अपने अपने वेरिएंट्स को दफनाते हैं। रिक एंड मॉर्टी के जो को राइटर है माइकल वॉल्डरन, उन्होंने ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लिखी है। लोकी के भी राइटर माइकल ही है और इस फिल्म के इस शॉट में उनका कैमियो भी है। वांडा की एंट्री पर जो म्यूजिक प्ले होता है वो वांडा विजन के एपिसोड 2 के इंट्रो का म्यूजिक है। बिली और टॉमी का रूम वांडा विजन वाले रूम है, बस उन लोग ने इधर की चीजों को उधर कर दिया और उधर की चीजों को इधर। और यहाँ पे वांडा जो डायलॉग मारती है, you know, a family is forever. We could never truly leave each other, even if we tried. वो वांडा विजन का है। you know, a family is forever.
We could never truly leave each other even if we tried. डार्क होल्ड यूज करने की वजह से वांडा की फिंगर्स ब्लैक हो जाती हैं। वांडा विजन में जब एगाथा ने भी डार्क होल्ड यूज की थी तो उसकी भी फिंगर्स ब्लैक हो गई थी, और सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ भी यही हुआ था। इसको व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज के साथ कंफ्यूज मत करना, वो स्ट्रेंज सुप्रीम था और ये सुप्रीम स्ट्रेंज है। सिनिस्टर स्ट्रेंज और अपने वाले स्ट्रेंज ने भी डार्क होल्ड यूज की थी। उनकी फिंगर्स के साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन दोनों की थर्ड आई निकल आती है, जो बाकी किसी के साथ नहीं हुआ था। वांडा दो सॉर्सरर्स के पैरों तले जमीन खिसका देती है। ऐसा ही कुछ थॉर रैग्नारोक में डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी के साथ किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के ऊपर मॉन्स्टर से अटैक करता है। इससे पहले गार्गेंटोस से लड़ते टाइम भी वो एक मॉन्स्टर का मुंह और हाथों का यूज करता है। ये व्हाट इफ का रेफरेंस था, उसमें स्ट्रेंज सुप्रीम अपने अंदर हजारों मॉन्स्टर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें ऐसे ही वेपन्स की तरह यूज करता है। व्हाट इफ में भी स्ट्रेंज को आवाज बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही दी थी, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पे अपने वाले स्ट्रेंज ने इन मॉन्स्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो बस मॉन्स्टर्स वाले स्पेल्स का यूज कर रहा है। अगर किया होता और वो स्ट्रेंज सुप्रीम के जितना पावरफुल होता तो वांडा उसके आगे एक मिनट भी नहीं टिक पाती। स्ट्रेंज और अमेरिका नए यूनिवर्स में जिस जगह पे गिरते हैं, ये वही जगह है जहाँ पे उन लोग ने पिछले यूनिवर्स में डिफेंडर स्ट्रेंज को दफनाया था। पिज्जा पापा का रोल एक्टर ब्रूस कैंपबेल ने प्ले किया था। वो और इस फिल्म के डायरेक्टर सैम रेमी हाई स्कूल से फ्रेंड्स है। रेमी के साथ इन्होंने लीड रोल में तो मूवीज की हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी हर मूवी में इनका कैमियो होता है। ब्रूस ने स्पाइडरमैन 1 में रिंग अनाउंसर का रोल किया था, स्पाइडरमैन 2 में अशर का और स्पाइडरमैन 3 में हेड वेटर का। स्पाइडरमैन 4 में ये मिस्टीरियो का रोल करने वाले थे, बट वो मूवी कैंसिल हो गई। मॉर्डो चाय में सेंस ऑफ निशांति मिला देता है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स काम नहीं करती। सेंस ऑफ निशांति कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है और ये हथकड़िया भी उसी से बनी होती हैं। गार्गेंटोस फाइट वाले सीन में भी मैजिक टी का हिंट था, और अमेरिका पूछती है कि चाय में क्या था। यही क्वेश्चन डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में स्ट्रेंज एंशिएंट 1 से पूछता है, जब वो उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। उस टाइम पे तो चाय में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे जरूर मिलावट हो जाती है। पूरी फिल्म में बिली और टॉमी जितनी बार भी दिखते हैं, बिली ने रेड और टॉमी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने होते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉमिक्स में आगे चल के ये लोग विकन और स्पीड नाम के हीरोज बनते हैं और यंग एवेंजर्स टीम का भी हिस्सा बनते हैं। डार्क होल्ड टेम्पल में स्कारलेट विच की कार्विंग होती है। वांडा विजन में जब एगाथा बताती है कि तुम्हारे ऊपर डार्क होल्ड में एक पूरा चैप्टर है, उस टाइम पर उसके पेज पर ये बनी हुई दिखती है, और इसके लेफ्ट साइड में बिली और राइट साइड में टॉमी की भी छोटी छोटी कार्विंग्स होती है। क्रिस्टीन बोलती है कि तुम्हारा यूनिवर्स मतलब अपना मेन MCU 616 है। Our universe is 838 and we've designated yours 616. कॉमिक्स में भी मेन यूनिवर्स 616 ही है, और MCU के 616 होने का हिंट हमें बहुत सालों से मिलता आ रहा है। सबसे पहले थॉर द डार्क वर्ल्ड में प्रोफेसर एरिक सेल्विक ने अपने बोर्ड पे 616 यूनिवर्स लिखा होता है। उसके बाद अवेंजर्स एंड गेम में स्कॉट को जिस गैराज में रखते हैं उसका नंबर भी 616 होता है। फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो पता नहीं कहां से तुक्का लगाता है कि तुम्हारा यूनिवर्स 616 है। This is Earth, dimension 616. I'm from Earth 833. और लोकी के शो में जब मॉर्बियस, मेरा मतलब मोबियस, जब लोकी की फाइल प्ले करता है तो उसकी रील पर भी 616 ही लिखा होता है। यहाँ पे D23 लिखा होता है, जो डिज्नी वालों का फैन इवेंट है जिसमें वो हर साल अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करते हैं। इसका एक और ईस्टर एग कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी था। इल्यूमिनाटी की टीम में आयरन मैन नहीं होता, कॉमिक्स में आयरन मैन इल्यूमिनाटी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। इसका रेफरेंस हमने आयरन मैन 2 में भी देखा था, उसमें आयरन मैन के फोन में इल्यूमिनाटी नाम का ऐप था। कैप्टन कार्टर की एंट्री पे जो म्यूजिक प्ले होता है, कैप्टन कार्टर फर्स्ट एवेंजर, ये कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का म्यूजिक है। रीड रिचर्ड्स जिस टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करता है, ये कॉमिक्स से डॉक्टर डूम का टाइम प्लेटफॉर्म है। फिल्म के को प्रोड्यूसर ने भी ये बात कंफर्म की है। प्रोफेसर एक्स की येलो हवरचेयर, ग्रीन सूट और टाई का डिजाइन एक्समैन दी एनिमेटेड सीरीज से लिया गया है, और उनकी एंट्री पे जो म्यूजिक प्ले होता है, ये उसी सीरीज का ओपनिंग थीम है। और मिस मार्वल में जब ये रिवील होता है कि कमाला एक म्यूटेंट है, तब भी यही म्यूजिक प्ले होता है। कमाला, there's something different in your genes, like a mutation. X-Men Days of Future Past में चार्ल्स ने अपने यंगर वर्जन से बोला था, just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. वही चीज वो यहाँ पे भी बोलता है, just because someone stumbles and loses their way, doesn't mean they're lost forever. पैगी यहाँ पे स्टीव का आइकॉनिक डायलॉग मारती है, I could do this all day. I can 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 do this all day. Yeah, I know. I know. ये मेरे लिए इस मूवी का फनीएस्ट सीन था, क्योंकि पूरा दिन टिकने की तो बात छोड़ो, वांडा इस डायलॉग के 11 सेकंड बाद ही पैगी को टाइड का एड बना देती है।
चौंक गए। वो उसी की शील्ड से उसके दो टुकड़े कर देती है। व्हाट इफ में बकी ने ज़ॉम्बी स्टीव के साथ भी यही किया था। जब प्रोफेसर एक्स वांडा के माइंड में जाते हैं तो वहाँ पे 838 वाली वांडा एक टूटे हुए घर के मलबे के नीचे दबी हुई होती है और एक पुराने टीवी पे वांडा विजन चल रहा होता है। ये वांडा विजन का रेफरेंस था, उसमें वांडा और पेट्रो बचपन में अपने घर के मलबे के नीचे ऐसे ही दबे हुए होते हैं और टीवी पे द डिक वांडा एक शो चल रहा होता है। जब मैंने मूवी थिएटर्स में देखी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि वांडा प्रोफेसर एक्स की गर्दन मरोड़ देती है, बट जब स्लो मोशन में देखा तो पता चला कि वो गर्दन नहीं मरोड़ती बल्कि उसके फेस के ही दो टुकड़े कर देती है। स्ट्रेंज और क्रिस्टीन इनकर्जन वाली यूनिवर्स में जिस जगह से गुजरते हैं, 838 वाली यूनिवर्स में स्ट्रेंज और अमेरिका भी इसी जगह से गुजरे थे। ये वाला यूनिवर्स इनकर्जन की वजह से मेल्ट होने लगता है। व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज का यूनिवर्स भी ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। यहाँ पे अपने वाले स्ट्रेंज के मैजिक का कलर तो पहले जैसे ही है, लेकिन सिनिस्टर स्ट्रेंज के मैजिक का कलर पर्पल होता है क्योंकि वो डार्क होल्ड का यूज कर रहा है। वांडा विजन में एगाथा भी डार्क होल्ड यूज कर रही थी, इस वजह से उसके मैजिक का कलर भी पर्पल था। वांडा के मैजिक का कलर चेंज नहीं होता बिकॉज शी इज द स्कारलेट विच। सोल्स ऑफ द डैम से निपटने के लिए क्रिस्टीन एक वेपन उठाती है जिसका नाम होता है द ब्रेजियर ऑफ बम गलायत। फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में काइसिलियस से लड़ते टाइम स्ट्रेंज यही वाला वेपन उठा लेता है और काइसिलियस ये देख के डर जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि स्ट्रेंज को ये वेपन यूज करना ही नहीं आता था। You don't know how to use that, do you? स्ट्रेंज अमेरिका की पावर्स लेने के बजाय उसको खुद वांडा को फेस करने के लिए एनकरेज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो लोग गैप जंक्शन में थे तब वहाँ पर स्ट्रेंज ने जलती हुई द बुक ऑफ विशांति के पेज पर एक स्टार बना हुआ देख लिया था। स्टार अमेरिका चावेस का सिंबल है और जैसे डार्क होल जो सबसे ईविल बुक है उसके अंदर स्कारलेट विच का मेंशन है, वैसे ही द बुक ऑफ विशांति जो सबसे सेक्रेड बुक है उसके अंदर अमेरिका चावेस का मेंशन है। इससे स्ट्रेंज समझ जाता है कि अमेरिका अकेले भी स्कारलेट विच का सामना कर सकती है, बस उसको थोड़े मोटिवेशन की जरूरत है। यहाँ पे बिली ने जो स्वेटशर्ट पहन रखी है वो रेड ब्लू और व्हाइट कलर की होती है। वांडा विजन में वांडा ने 3 एपिसोड्स तक इन्हीं कलर्स की हुडी पहन रखी थी। तो ये थी इस मूवी की 40 हिडन डिटेल्स, और अगर तुमने इस मूवी में कोई डिटेल ऑब्जर्व की हो जो मुझसे मिस हो गई हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और ये भी बताना कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं। थैंक यू यहां तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म हो गया।